गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक एवोल्यूशन. दिस इज योर सेवेंथ चैप्टर. सो एवोल्यूशन मीन्स हाउ वी हैव चेंज्ड, स्पेशली द ह्यूमन बीइंग विद द पासेज ऑफ टाइम. पासेज ऑफ टाइम मीन्स मतलब नॉट 100 ईयर और 1000 ईयर, बट द मिलियंस ऑफ ईयर्स और सेंचुरीज. जिदा जिदा टाइम पास हो रहा हैगा ते ह्यूमन बीइंग दे विच केड़ियां केड़ियां चेंजेस आ रही हैगियां, किवें किवें एडवांसमेंट हो रही हैगी आ या किवें किवें डिटीरियोरेशन हो रही हैगी आ, दैट इज़ द एवोल्यूशन. सो वी इन दिस चैप्टर वट वी विल कवर ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ स्टार्ट किद्दां हुई, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्यूरी, एवोल्यूशन दे लाइफ फॉर्म्स की थ्यूरीज करांगे, ते किहड़े एविडेंसिस मिलते हैं जिन्हों तो सानू पता लगता है कि एवोल्यूशन होई हैगी है, मतलब चेंज जिहड़ी हैगी है होई है. एंड वट इज़ अडैप्टिव रेडिएशंस. अडैप्टिव रेडिएशंस की होंदिया, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन करांगे, मकैनिज़म ऑफ एवोल्यूशन करांगे, दैन इज़ द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल करांगे, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, एंड दैन इज़ द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन. एग्जैक्ट मीन्स एवोल्यूशन नॉट ओनली इन मैन, एवोल्यूशन सारिया स्पीशीज होंगी हैगी है, प्लांट, एनिमल, इवन द माइक्रोगैनिजम्स, दे आर इवॉल्व विद द टाइम. सो वट इज़ एवोल्यूशन? एवोल्यूशन मीन्स एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, दैट इज़ नोन एज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी. So what exactly is evolution? So the change in flora and fauna, मतलब plant दे विच ते microorganisms दे विच change जड़ी है, that have occurred over millions of years. I have already told you, not only 100 and 1000 years, but millions of years, and that is known as the evolution. So evolution of earth, of stars and the universe also changing. So what follows is the longest all the contributed, and there are so many stories, life kitho aayi, humans kitho aaye, microorganism kive evolve hoye. So that is the origin of life. Life kidda start hui, sab to pehla dharti bani, dharti de upar life kidda aayi. So when we look at stars on a clear night sky, we are in a way looking back in time. Theek hai. So stellar distance are measured in light years, and today is an object whose emitted light started its journey millions of years back and formed trillions of kilometers away and reaching our eyes now. मतलब स्टार्स जो है गया, देखो दे आर किन्ने दूर है गया, उन्हां दी जिहड़ी लाइट जिहड़ी हैगी आ दैट कम ऑन द अर्थ, एंड दैट्स वाई वी कैन सी द स्टार्स ऑल्सो. So when we see objects in our immediate surroundings, we see them instantly and hence in the present time. Therefore we are see stars apparently are peeping into the past. So origin of life is considered a unique event in the history of universe. Universe is vast, you know, relatively speaking, that the earth itself is almost only a speck. So universe is very old. यू होल यूनीवर्स जोड़ा है, जिमें तुम लोअर क्लासिस बेटा पढ़िया है, वट इज़ द यूनीवर्स, ऑल द गलैक्सीज, ऑल द स्टार्स एंड ऑल द एनवायरमेंट ऑन द अर्थ, एंड दे ऑल ग्लोबली मेक द यूनीवर्स. दिस इज़ 20 billion ईयरस ओल्ड, और ये क्या हैगा, ह्यूज कलस्टर ऑफ गलैक्सीज कंप्राइज द यूनीवर्स. So galaxies contain stars, clouds of gas and dust. So size of universe, earth is a speck. So Big Bang theory attempts to explain to us the origin of a universe. Big Bang theory, the theory asi choti classes padde si, take a singular huge explosion inimaginable in the physical terms. The universe expanded and hence the temperature came down. पहला सी ना कि धरती एक गैस का गोला सी, ये तुसी सुनया होएगा. So hydrogen and helium formed sometimes later, बाद च बनिया है. So gases condensed under gravitation and formed the galaxies of the present day universe. एक गैसेज जिहड़ियां सीगियां वो जो कंडेंस हो गई,
उस तो बाद उसने की बनाती हैं गलैक्सीज बनाती हैं, तो द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गलैक्सी अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक। अर्थ कदों बनी सी 4.5 बिलियन ईयर अगो एंड द देर इज देयर वॉज नो एटमोसफेयर ऑन अर्थ। ठीक है, जो स्टार्टिंग दे विच तुहानू पता है कि टैंपरेचर जिहड़ा सीगा वह बहुत ज़्यादा सी क्योंकि देयर वॉज नो एटमोसफेयर, उत्थे कुछ नहीं सी, वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस, यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोकन अप वाटर टू जो वाटर से वाटर वेपर्स टू हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन H2O नू कादे चे कन्वर्ट कर दिता हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइटर वाटर एंड जोड़ा लाइटर वाटर से दैट इज़ द स्केप्ड एंड ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म द वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदरस। ओजोन लेयर बनी, ओजोन लेयर तुहानू सारे नू पता दैट इज़ प्रोटेक्ट फ्रॉम द यूवी रेज फ्रॉम द और फ्रॉम द सन एंड इट इज़ कूल्ड एंड द वाटर वेपर्स फेल एज रेन एंड फील ऑल द डिप्रैशंस एंड फॉर्म द ओशंस। तो जोड़े वाटर वेपर से रेन बन के ओशंस क्रिएट किया, लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयरस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ 4.5 बिलियन ईयरस बैक बनी से उस तो अर्थ के बन तो बाद 500 मिलियन ईयर बैक्स जोड़े है तो बाद ही जी है लाइफ स्टार्ट हुई है, दैट इज़ आलमोस्ट 4 बिलियन ईयरस बैक कह सकते हैं। सो लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कम फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, अर्ली ग्रीक थिंकरस पहला सब ने कहा कि जी लाइफ हैगी है वो बाहरों आई हैगी। अर्ली ग्रीक थिंकरस थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ आर स्पोर्स, ग्रीक्स पहला सोचते सी लाइफ कितों आई है स्पोर्स तो आई हैगी वेयर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनट्स इनकलूडिंग अर्थ, और इन्होंने स्पोर्स में असं की कहें है पेन्स स्पर्मिया, पेन स्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनोमर्स। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट लाइफ कम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ मर्ड एक्सेट्रा। ये भी सोचा जाता सी कि जी लाइफ जी है जो स्ट्रॉ हो गया या मर्ड हो गया यदि जो रॉटिंग होंगी हैगी या डिकेइंग होंगी हैगी तो उस तो बाद लाइफ जनरेट होंगी है। सो इस थ्यूरी में असं कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। वन साइंटिस्ट दैट इज़ नोन एज द लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर वेरी बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन दैट लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, उन्होंने एक सेंटेंस के उन्होंने लाइफ को डिस्प्लेन किया कि लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सो उन्होंने एक गूज नैक एक्सपेरिमेंट दिता से, गूसनेक एक्सपेरिमेंट्स के ही शोड दैट इन प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट वाइल इट अनदर फ्लास्क ओपन इन एयर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड यीस्ट। सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्यूरी वॉज डिसमिस्ड। सो जी पहली थ्यूरी सी ओरिजिन ऑफ लाइफ की दैट वॉज द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये जी सी इनू ए वाली थ्यूरी जी सी ए डिसमिस हो गई बाय द लुईस पाश्चर थ्यूरी, लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फ्रॉम द गूसनेक एक्सपेरिमेंट्स एंड दैट इज़ द किल्ड स्पॉन्टेन, इट डज नॉट आंसर फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम केम ऑन द अर्थ। सो अ पेरिन ऑफ रशिया एंड Let me clear for you this slide. And Haldane of England proposed, these are the two scientists who proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules. तो इन्होंने दसिया कि लाइफ जी है वो आर एन ए ते प्रोटीन्स तो स्टार्ट होंगी हैगी, आर एन ए और प्रोटीन आर द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑरगैनिक मॉलीक्यूल्स and the formation of life was preceded by chemical evolution. इन्होंने थ्यूरी की दी कि chemical evolution का मतलब कि formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. Inorganic constituents तो जोड़े है organic molecules जोड़े बनते हैं तो वह की करते हैं life को originate करते हैं। the constitution on earth were where the high temperature, volcanic storms, reducing atmospheric conditions, methane, ammonia gas is there.
So in 1953, Miller and American scientist created similar condition in a laboratory, and he created electric discharge in a closed flask containing methane, hydrogen, ammonia and water vapors at 800 degrees centigrade. What he observed? He observed formation of amino acids. ठीक है, amino acids and amino acids तो की बन जाएगा proteins. So in similar experiments, other observed formation of sugars, nitrogen bases, pigment and fats. So this is the analysis of meteorite content also revealed similar compounds indicating the similar process and occurring elsewhere in the space. So ये inorganic compounds नो organic compounds मानते हैं क्या organic compounds तो life originate होती है क्या. So analysis of meteorite वाला भी concept ये रहेगा, that is also among the chemical evolution. So first non-cellular form of life could have originated. So this is the dramatic representation of Miller's experiment, how he has done in the lab. That is the he has put the gases in the you can see the methane, ammonia, water, hydrogen gases in the spark was created. And there one in electrodes are there. This is there was boiling water, liquid water in trap, and water containing organic compounds. And you can see these compounds are coming from the explosion of the gases, and it is condensed with the circulation of water around the gases. Then these come in the form of droplets, that it will come to the after boiling water to the in the form of gases, again converted into form of gases in the life, and it is go out. So this is the dramatically representation of Miller experiment. So they would have been giant, there would have been giant molecules, RNA, proteins and the polysaccharides, and the capsule reproduces other molecule. Perhaps the first cellular form of the life did not probably originate till about 2000 million years ago. So this is the, they were the single cells. So life the first form siga oh keda siga single cell siga, or single cell jada hega, that was that is the blue this is blue green algae or cyanobacteria was reported on the earth. That is the single cell. Sab to pehla kede aaye si single cell. So in the next lecture we will do the evolution of line forms. So in this lecture what we have done, we have started the evolution. Evolution ki hai gaya, evolution hai gaya with time jada hai gaya, changes aandiyan gaya. Time kinna hai gaya, not only 100 or 1000 year but the millions of years. Kis ch changes aandiyan, har cheez da matlab इन अर्थ के ऊपर, अर्थ है, यूनिवर्स है, स्टार्स हैं, फ्लोरा है, फोना है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग दैट इज इन फ्रंट ऑफ आइज दैट हैव चेंज्ड विद द पासेज ऑफ टाइम. तो थ्योरी केड़ी हैगी है, बिग बैंग थ्योरी जी हैगी है, और दूसरी केड़ी है थ्योरीज एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के विच. बिग बैंग थ्योरी तो बाद हैगी है पेंस्पर्मिया और स्पोर फॉर्मेशन, एंड दैन इज द दैट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्यूरी हैगी है. एंड थर्ड थ्यूरी केड़ी हैगी है लुईस पाश्चर वाली थ्यूरी, जिन्होंने से कहते हैं लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. ठीक है, एंड उस तो बाद हैगी है ओपेरिन एंड ऑफ रशिया एंड हेल्डन ने जी थ्यूरी दी हैगी है कि प्री एग्जिस्टिंग जी हैगी है दैट इज नॉन लिविंग ऑरगैनिक, मतलब इनऑरगैनिक जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स दी थ्योरी उन्होंने दी है. मिलर ने एक्सपेरिमेंट करके देखा से सेम कंडीशंस क्रिएट कीतियां सी जिहड़ियां कि विद टाइम एवोल्यूशनरी होंदियां है, जिदा वोल्केनोस है, गैसिस है, वाटर वेपर्स है, टेंपरेचर ज़्यादा है. तो उस तो बाद ही गेम टू नो दैट
कि ए वाला एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया है द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स बनते हैं इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स ऑल्सो नाइट्रोजन बेसिस ऑल्सो पिगमेंट्स एंड फैट्स. सो दिस इज द मिलर एक्सपेरिमेंट. ठीक है, मिलर एक्सपेरिमेंट्स तो बाद जी थ्यूरी हैगी है वो यह है कि पहला फॉर्म जरा कि लाइफ का फर्स्ट फॉर्म कड़ा से सिंगल सैल्ड से जिन्होंने साइनोबैक्टीरिया इतने शायद नहीं लिखा हुआ ब्लू ग्रीन एलगी भी असं बोलते हैं ऑफ सिंगल उ आई सी सिंगल सैल जोड़े है इवॉल्व हुए से जिदा जिदा वॉटर आता गया टैंपरेचर अर्थ का घटता गया. ठीक है, तो वॉटर के फस्ट फॉर्म ओरिजिनेट हो दैट इज़ द ब्लू ग्रीन एलगी और साइनोबैक्टीरिया. सो दिस इज़ द थ्यूरीज रिलेटेड टू द एवोल्यूशन. सो एनीथिंग नॉट क्लियर प्लीज़ फील फ्री टू टॉक टू मी.